गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई एम अनंतर सिंह मान, पीजीटी कॉमर्स, विद्या आश्रम पब्लिक स्कूल, चैप्टर नंबर 23, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट इन क्लास 11 कॉमर्स, ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एडजस्टमेंट्स, सीरियल नंबर 5, एडजस्टमेंट अक्रूड इनकम। नाउ व्हाट इज अक्रूड इनकम, मतलब हमने कमा लिया लेकिन प्राप्ति हो, वी हैव अर्न बट नॉट रिसीव, तो ये हमारी एसेट है क्योंकि हमें पैसा लेना है देना नहीं, तो अक्रूड इनकम अकाउंट या अदर इनकम, हम इनकम को इंक्रीज कर देंगे। इसे कहां निकालेंगे, एडेड टू द रिस्पेक्टिव इनकम ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में उस इनकम में जोड़ देंगे जो इनकम संबंधित है, और एसेट साइड में देखेंगे क्योंकि हमारी एसेट है क्योंकि हमें पैसा देना है। नाउ अनअर्न्ड इनकम, अन इनकम का मतलब होता है इनकम विच इज बीइंग रिसीव्ड इन द एडवांस बट इट इज नॉट बीइंग अर्न्ड। अब ये इनकम हम रिड्यूस कर देंगे क्योंकि अगले साल की है, तो इनकम अकाउंट या टू अनअर्न्ड इनकम इट इज अ लाइबिलिटी, कुछ नहीं दिखाएंगे, डिडक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इनकम ऑन द क्रेडिट साइड, और जो जिस जो इनकम हेड है उसके अंदर उसको डिडक्ट कर देंगे क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, हमने ये पैसा ले तो लिया भी नहीं चुका है। 7 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब कोई भी व्यापारी कोई भी ओनर कैपिटल लगाता है तो श्योर है कि वो इंटरेस्ट भी लेगा, तो इंटरेस्ट कंपनी और फॉर्म के लिए एक खर्चा है, एक चार्ज है, तो हम उसे डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज होती है क्योंकि उसे इंटरेस्ट मिलता है, या कुछ नहीं दिखाएंगे, या डेबिट साइड में दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहाँ कैपिटल में एड कर देंगे लाइबिलिटी साइड। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जब व्यापारी कोई भी माल ले जाता है दुकान से निकालते हैं फॉर्म या कंपनी से, या फिर कोई कैश या बैंक से पैसा निकालता है, तो ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज अ गेन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये इनकम है, और इसे ड्रॉइंग्स में एड करेंगे और कैपिटल में से घटाएंगे क्योंकि हम कैपिटल में से वसूल करते हैं किसी भी व्यापारी से, किसी भी कोई भी फॉर्म है या कोई भी कंपनी है, तो वो कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे।